यो व्हाट्सअप हेलो दोस्तों, आज आपका मेरे को नए वीडियो में स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीक 16 के टॉप 10 किड शोज की टीआरपी के बारे में। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। सो गाइस, सबसे पहले हम बढ़ते हैं 10th पोजीशन की ओर। सो गाइस, इस वीक 10th पोजीशन पर आया है पकड़म पकड़ाई, जिसकी टीआरपी है 0.9। अब गाइस, मैं इस शो को यार फर्स्ट टाइम टीआरपी लिस्ट में देख रहा हूं। मैंने शायद इस शो का आज तक टीआरपी लिस्ट में देखा ही नहीं है, टॉप 10 में तो यार आया ही नहीं है शो अभी तक। बाकी अभी हम बढ़ते हैं 9th पोजीशन की ओर। सो गाइस, इस वीक 9th पोजीशन पर आया हागे मारो, जिसकी टीआरपी है 1.0। अब जानते हैं कि हागे मारो ज़्यादातर टॉप 10 में आता ही रहता है, कभी 9th कभी 10th। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि वो टीआरपी लिस्ट में होता ही नहीं है, बट ज़्यादातर वो 9th या 10th आ ही जाता है। बाकी गाइस, जो शो इस बार 8th पोजीशन पर है उसका नाम है पोकेमॉन, जिसकी टीआरपी है 1.3। अब गाइस, आप जानते हैं काफ़ी वीक से पोकेमॉन की टीआरपी 1.4 आ रही थी, बट इस वीक वो भाई 0.1 गिर चुकी है, मतलब वो पहुंच चुकी है 1.3 पे, जो कि पोकेमॉन जैसी एक एनिमे के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। बाकी अभी हम बढ़ते हैं 7th पोजीशन की ओर। तो गाइस, इस वीक 7th पोजीशन पर आया छोटा भीम, जिसकी टीआरपी है 1.8। गाइस, आप जानते हैं टॉप 5 में रहता ही ज़्यादातर, बट अभी के टाइम पर इसकी टीआरपी थोड़ी कम चल रही है, लगता है बच्चे मैच्योर होने लगे हैं। सो गाइस, अभी हम बढ़ते हैं 6th पोजीशन की ओर। सो गाइस, इस बार 6th पोजीशन पर आया निंजा हथौड़ी, जिसकी टीआरपी है 2.1। अब गाइस, दो वीक से तो ये टॉप 5 में था, बट हाँ फिर से इसकी टीआरपी थोड़ी बहुत गिरने लगी है। बाकी मैं जानता हूँ अपनी पोजीशन आराम से रिगेन कर लेगा। तो अभी हम बढ़ते हैं 5th पोजीशन की ओर। सो गाइस, जो शो इस बार 5th पोजीशन पर, उसका नाम है ऑगी एंड द कॉकरोची, जिसकी टीआरपी है 2.3। अब गाइस, आप जानते हैं ऑगी अपनी टीआरपी में अच्छे से ग्रोथ करता जा रहा है, सोनी को इससे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए वो ऑगी एंड द कॉकरोचेस के नए एपिसोड्स भी स्टार्ट करते जा रहे हैं। बाकी ऐसा ही ग्रोथ अगर ऑगी करता रहा तो गाइस बहुत ही ज़्यादा आगे जाने वाला होगी। सो अभी हम बढ़ते हैं 4th पोजीशन की ओर। तो गाइस, इस बार 4th पोजीशन पर आया पिनाकी एंड हैप्पी द भूत बंधु, जिसकी टीआरपी है 2.6। अब गाइस, इस शो के बारे में आप जानते हैं, लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया था, 7th पोजीशन तक चला गया था, लेकिन मैं जानता था कि अपनी पोजीशन रिगेन कर लेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 7th पोजीशन से आने, मतलब 7th पोजीशन में जिस वीक आया था उससे एक वीक पहले ये 3rd पोजीशन पर भी आया था। बाकी अभी हम बढ़ते हैं 3rd पोजीशन की ओर, जिस पे आया इस बार डोरीमोन, जिसकी टीआरपी है 2.9। अब गाइस, डोरीमोन और चिंचान की वजह से आप जानते हैं कि डिज्नी अभी तक चल रहा है, बाकी पोकेमॉन को भी इतनी पुअर मैनेजमेंट दे रहे हैं, इसलिए पोकेमॉन से भी उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट नहीं मिल रहा। बाकी बस डोरीमोन और चिंचान है जो उन्हें टीआरपी में अच्छा खासा सपोर्ट दिखा रहे हैं। सो इस वीक 2nd पोजीशन पर आया मोटू पतलू, जिसकी टीआरपी है 3.1। अब गाइस, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात करनी नहीं, बल्कि बात ही नहीं करनी। तो हम सीधा बढ़ते हैं 1st पोजीशन की ओर, जिस पर आया सिंचान, जिसकी टीआरपी है 3.4। गाइस, आप जानते हैं सिंचान और डोरीमोन में से ही ज़्यादातर कोई 1st पोजीशन लेता है, बट मेरे को इंतजार है कि जब ड्रैगन बॉल सुपर आएगा तो क्या वो मतलब टॉप 10 में आ पाएगा। अब मैं श्योर तो नहीं हूँ, वैसे तो यार आना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन बॉल को सपोर्ट करने वाले यार बहुत सारे लोग हैं, और मैं होप करता हूँ कि ड्रैगन बॉल जी मतलब ड्रैगन बॉल सुपर 1st पोजीशन गेन कर पाए। बस हाँ, कुछ टाइम हमें वेट करना है ड्रैगन बॉल सुपर के लिए, बाकी उस पर वीडियो आ जाएगी कल परसों तक। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।